morning, kids. How are you all? Safe at your home? अभी बाहर मत निकालना ज्यादा, हाँ? Okay? चलो तो आज हम नॉन फायर कुकिंग सीखेंगे. आपने देखा ना वीडियो, आपको ऐसे बनाना है, ठीक है. और अभी टीचर आपको बताएंगे वर्कशीट नंबर 10 एंड वर्कशीट नंबर 30. तो वर्कशीट नंबर 10 में हम क्या करेंगे, कैन यू सी दिस प्रॉपरली? ओके, सो राइट एफ फॉर फ्रूट्स एंड वी फॉर वेजिटेबल. तो जहाँ पे फ्रूट है उसमें हम एफ लिखेंगे सर्कल में, और वेजिटेबल है उसमें बी लिखेंगे. ओके, डन. ओके, नाउ टेल मी व्हिच फ्रूट इज दिस. ओ सॉरी, टीचर ने बता दिया फ्रूट है. व्हिच पिक्चर इज दिस? चेरी. चेरी इज अ फ्रूट. तो हम सर्कल में लिखेंगे एफ. ओके, नाउ टेल मी व्हिच पिक्चर इज दिस? Tell me fast. Yes, carrot. तो carrot क्या है? Vegetable. तो हम लिखेंगे V. Okay. Now this capsicum. Right? तो capsicum is also vegetable. So we write V. Okay. Now tell me which picture is this? Grapes. Grapes is fruit. तो हम यहाँ पे लिखेंगे F. Okay. Now tell me which picture is this? Tell me fast. सब फटाफट recognize कर रहे हैं टीचर के बोलने से पहले, या सोचते हो क्या है? Watermelon. Very good. Watermelon is फ्रूट. एफ लिखेंगे. ओके, नाउ दिस ब्रोकोली. ग्रीन कलर की आती है, राइट? ब्रोकोली इज वेजिटेबल. हम लिखेंगे वी. नाउ दिस, ये तो सबको पता है, बनाना. बनाना क्या है? फ्रूट. तो हम लिखेंगे एफ. नाउ दिस कैबेज. कैबेज इज वेजिटेबल. तो यहाँ पे आएगा वी. नाउ दिस बीटरूट. बीटरूट इज वेजिटेबल. तो यहाँ पे आएगा वी. एंड लेमन. लेमन इज, वो फ्रूट में भी आता है और वेजिटेबल में भी आता है. पता है आपको, लेमन फ्रूट में भी आता है और वेजिटेबल में भी आता है, ठीक है? तो हम लिखेंगे वी. ओके, आप एफ भी लिख सकते हैं लेमन में. नाउ ओपन द वर्कशीट नंबर 13. यस, द हेडिंग इज सर्कल द वेजिटेबल इज यूज टू मेक सलाड. सलाड बनाने के लिए इसमें से कौन से वेजिटेबल का यूज कर सकते हैं उसके ऊपर आपको सर्कल करना है, ठीक है? तो सबसे पहले कैरेट. कैरेट का सलाद होता है, यस. तो सर्कल ऑन कैरेट. टोमेटो, यस, इसको भी हम सलाद में यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज. ओके, नाउ कुकुम्बर, यस, वी कैन ऑल्सो यूज कुकुम्बर इन सलाद. ब्रिंजल. ब्रिंजल का कैसे सलाद में यूज कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते. बीटरूट, यस. नाउ कैबेज. कैबेज का भी कर सकते हैं. नाउ हियर कैप्सिकम. कैप्सिकम को भी सलाद में खा सकते हैं. ओके, जिसको पसंद है वो खा सकता है. कॉलीफ्लावर, नो, कॉलीफ्लावर का यूज नहीं कर सकते. कॉर्न,
कॉर्न का यूज भी कर सकते हैं, कॉर्न सलाद बनता है स्कूल में, बनाते हैं ना मासी। फिर स्पिनच, स्पिनच का नहीं करते। और चिली, चिली का भी जिसको स्पाइसी पसंद है वो उसको सलाद में यूज कर सकते हैं। ओके सो डन, वेरी गुड। सो यू हैव टू डू वर्कशीट नंबर 10 एंड 13। ओके नाउ लुक एट हियर, मिसिंग नंबर। आज हम मिसिंग नंबर सीखेंगे कौन से, 301 टू 350। ओके टीचर ने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपको घर पे मामा के साथ बैठ के नंबर्स रीड करने हैं, कर रहे हो सर, कर रहे हो? यस। ओके गुड, वेरी गुड। तो अभी जो कर रहा है उसको सारे मम्मा को बोलती हूँ उनको स्टार्ट देना। ओके नाउ हम 301 वाली लाइन पहले फिल करेंगे जो मिसिंग नंबर है वो। ओके नाउ टेल मी 301 आफ्टर विच नंबर कम्स, 302। ओके 302 आफ्टर 303, 304 इज ऑलरेडी रिटन हियर, सो 304 आफ्टर 305 आफ्टर विच नंबर कम्स, टेल मी फास्ट, यस 307 इज ऑलरेडी रिटन हियर, सो 307 आफ्टर 308 एंड 308 आफ्टर 309, 310 इज ऑलरेडी रिटन हियर। ओके सो चलो मेरे साथ में हम ये पूरी लाइन रीड करेंगे, टीचर के साथ में ही बोलना है। ओके 1 2 3 स्टार्ट, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310. Okay? Now next line, 310 after, क्या आएगा? 10 after 11. So we have to write 311. Okay? 312 is already written here. 313 is already written here. So which number comes after 313? 314. Very good. 315 after 316. So which number comes after 316? 317. 318 is already written here. So here, which number comes? 319. Very good. 320. Okay. So let's start. Okay. 1, 2, 3. Start. 311, 312, 313. 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320. Okay, now let's start. 321 line. So 321 after which number comes? 322 after which number comes?
324 is already written here. 325 is already written here. So now which number comes? चलो कौन सबसे पहले आंसर देता है मुझे? First, tell me first. Yes, yes. Very good. 326. 327 is already written here. So which number comes here? 328 and 329. 330 is already written here. Okay. So let's read this line. Okay, now start. 1, 2, 3. Start. 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330. Okay, now next line. 330 after 31. So here which number comes? 331. 332. Now here 333. After 333, which number comes? 334. 335 is already written here. 336. Now here which number comes? 337, 338, 339 already written here. So here 340. Okay, now let's read this line. 1, 2, 3, start. 331, 332. 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340. Okay, done. Now next line, 341. So 341 after which number comes? 342. 342 after 343. 344 is already written here. So now here which number comes? 345. 346 is already written here. So here 347 comes. And which number comes here? 348. 349 is already written here. And 350 is already written here. So let's pick this line. 1, 2, 3, start. 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350. Okay, तो किस किस ने टीचर के साथ बोला? जिसने भी मेरे साथ बोला है ना, तो वो क्लैप करो. क्लैप फॉर योर सेल्फ. मैं भी आपके लिए क्लैप कर रही हूँ, देखो. ओके ओके, तो ये आपको नोटबुक में लिखना है
और मुझे पिक सेंड करना है। ओके, बाय बाय।